दोस्तों राधे राधे। तो आज मैं आपको बताऊंगा वैशाख मास में तुलसी जी कैसे उगाए। सबसे पहले तो हमें एक ऐसे कलश ले लेना, मिट्टी का पात्र जो भी आपके पास हो, गमला भी ले सकते हैं, उसमें मिट्टी भर देने, उसके अंदर हम तुलसी जी लगाएंगे। तुलसी जी लगाने के लिए तो हम एक तुलसी लगाएंगे इसके अंदर। तो दोस्तों हम अब इसमें, इससे ना ये होता है एक खुरपी, इससे हम इसमें खोदेंगे। थोड़ा हम खोदेंगे, बहुत गहरा खोदेंगे, गली खोदेंगे। हम और खोदेंगे थोड़ा सा। देखिए हमने इतना गहरा खोद दिया। और ये देखिए हमारी तुलसी जी, हमने एक कैन है इसमें पानी भर के रख दिया कि ये थोड़े देर के लिए भी इनको कुछ हो ना जाए। अभी और छोटा पड़ेगा इसमें, बहुत तो हमने बिल्कुल गहरा खोद रखा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गहरा है। इसके अंदर हम तुलसी मैया को डाल देंगे और धीरे धीरे सारा मिट्टी इसमें भर देंगे। तो देखिए हम धीरे धीरे करके तुलसी को हम इसमें लगा देंगे। घर में तुलसी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हम विधिवत तुलसी जी को लगाएंगे। इस गमले में हम एक और तुलसी जी लगा सकते हैं। हमारे घर में एक ही तुलसी, पहले एक तुलसी, दो तुलसी जी हैं, उसके नीचे से बहुत सारी तुलसी जी उगती हैं, उसमें से ये एक है। तो इनको हम अलग से गमले में ही लगा देते हैं। देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा हम इसे पानी लेकर सींच देंगे, जैसे नवरात्रों में ज्वार ज्वारे को सींचते हैं, वैसे हम तुलसी मैया को भी सींचेंगे अच्छे से। और रोज शाम को एक घी का दीपक जलाएंगे। वैशाख मास में ऐसे ही करें, ऐसे ही तुलसी जी उगाए। देखिए कितनी बढ़िया होगी है। दोस्तों देखिए नीचे हमने दो तुलसी जी और लगा दी हैं, छोटी छोटी, और ये हमारी बड़ी वाली तुलसी जी और ये हमारा पात्र। तो अब हम तुलसी जी के नीचे घी का दिया जलाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक दीपक भी रख लिया है, ये तुलसी जी है। तो हमारे पास एक चुन्नी है, हम इन्हें ये इन्हें चुन्नी उड़ा देंगे, गमले में ही बांध देंगे।